फाइनली दोस्तों हमारा बुढ़ापा आने से पहले लास्ट ईयर की जो सबसे बिगेस्ट मूवी का जो अनाउंसमेंट हुआ था ना उसका ट्रेलर अब जाके रिलीज हुआ है, जो है ये भाई साहब का। नहीं, इनका नहीं, बदल रहे, ये भाई साहब का। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका होस्ट विनीत गौरा, आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया हाउस। फाइनली द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द वन एंड ओनली लेजेंडरी सुपरस्टार शाहरुख खान की जो मूवी थी जवान, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है भाई। आज 10th of July जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, तुम लोग मानोगे नहीं, ट्रेलर रिलीज होते ही ना एक दिन कंप्लीट हुआ है बस, एंड 52 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इसको, एंड अभी भी काउंटिंग है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना जब आप ये वीडियो देख रहे हो एज ऑफ नाउ ट्रेलर के ऊपर क्या व्यूज आए हुए हैं। मैंने भी ट्रेलर नहीं देखा, आपने भी शायद ना देखा होगा, तो चलो साथ में देखते हैं, रिएक्ट करते हैं कि भाई क्या फाड़ू चीज बनाई है। ओके मैं कौन हूं? ओ कौन नहीं पता नहीं, किया वादा हूं मैं अधूरा, एक इरादा हूं मैं, अच्छा हूं बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। लेडी तो सुना होगा, ये तो शुरुआत है। गुड टू गो गर्ल्स, जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। अरे बेकरार घर पे हमें यूं न जाई, आप तो हमारी पसंद लौट आई। अरे ये ओके ओके वेट भाई साहब, पहली चीज तो शाहरुख खान इन एक्शन, ये आदमी, ये सुपरस्टार ने इतने साल रोमांटिक मूवी इतने कर लिए ना कि मुझे लग रहा है पूरा अभी एग्रेशन एक्शन मूवी में निकाल रहा है। शाहरुख खान की आवाज के अंदर ही ना इतना भाई डीपनेस, इतना डेप्थ है ना कि वो डायलॉग क्या कमाल के लग रहे थे इसके अंदर। आई रियली मच लाइक द डायलॉग अ लॉट, ऑल्सो जो बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें गया है ना बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरीके से उन्होंने सीन्स का सेगमेंट बिठाया था ना टॉप नॉच थे। एक चीज था तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर लगा, किसी को ऐसा फील हुआ कि मार्वल का वो जो मूनलाइट है जो उनकी सीरीज है थोड़ा वो टाइप का गेटअप नहीं लग रहा था, समहाउ आई फेल्ट दैट। एंड इवन प्रभास की एक मूवी थी जिसकी जिसमें प्रभास भी इस तरीके से बैठा हुआ है, आता थोड़ा मास्क टाइप का पोज मार के, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था। बट देन अगेन सच बात बताऊं, एक्शन मूवीज में ना हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट तो होता ही है फिल्म मेकिंग में कि जो सोर्स किया जाता है यहाँ वहां से, बिकॉज वो वॉर करने के तरीके सेम ही होते हैं। बट कुछ कुछ सीन्स आई थिंक हम सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं उसके अंदर, वो तो है। एंड ये क्या था, ये एक चीज तो मेरे को समझ नहीं आ रही, ठीक है दीपिका साड़ी में कुश्ती कर रही है स्पेशल अपीयरेंस में, वो पता चल गया है। एंड ये औरतों को अलग ही लड़ने का शौक होता है हमेशा, नो हेट बट शाहरुख खान गंजा है एंड के फ्रेम में, SRK के बाल कहाँ गए? मतलब ये बीच में ना कहीं ना इंटरनेट में मैंने एक मीम देखा था, ठीक है मेरे को सब समझ समझा नहीं, अब मैं तो समझ गया, वो ऐसा है कि थानोस जो है वो 4K है, जॉनी सिन जो है ही इज लाइक 1080p एंड शाहरुख खान इज लाइक 144p। गजब बेइज्जती है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा वाइब आ रहा है, शायद से इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे शाहरुख खान इज लाइक द गैंग लीडर, वो चार्लीज एंजल वाला सीन, शायद से मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे पूरी लड़कियों की आर्मी बनी हुई है, शाहरुख खान वहाँ पे लीड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मेरे को पूरा स्टोरी पता नहीं है, आपको क्या लगता है शायद से कुछ ऐसा हॉलीवुड रिजेम्बलेंस हो सकता है क्या? एंड अगर है भी ना तो आई थिंक शाहरुख खान इज द ओनली
मेगा सुपरस्टार हु कैन पुल इट ऑफ। प्लस ऑब्वियसली ट्रेलर के अंदर दो सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहे हैं जहां पे शाहरुख खान थोड़ा सा कॉप के पूरे आउटफिट में है और एक थोड़ा आर्मी का भी सीन दिख रहा है। वो आर्मी का सीन देख के ना मुझे हल्का बहुत टॉप गन जो टॉम क्रूज की थी ना उसका एक सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा हूं, शायद कुछ ऐसा सेगमेंट होगा। बट देन अगेन यार टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, शाहरुख खान को एक्शन में देख के ही कुछ एक अलग वाइब बैठ रही। प्लस सिर्फ शाहरुख खान लाइमलाइट में नहीं दोस्तों, इतना ध्यान में रखना हमने यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट लोगों को देखा है। एक तो हमारी जो फीमेल लीड होने वाली है वो है नयनतारा जो साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, साथ में साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार विजय सेतुपति सर वो भी दिख रहे हैं इसके अंदर। मतलब आप समझ रहे हो, आपको शाहरुख खान की वाइब तो मिल रही है, आपको विजय सेतुपति सर का भी वाइब मिल रहा है, नयनतारा भी है, साउथ इंडस्ट्री है, बॉलीवुड का मिक्स मिलने वाला है। भाई ओवरऑल आई डोंट नो व्हाई मेरे को जवान से जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना बढ़ रही है। ओवरऑल एस्टिमेशन ये है कि जवान बनी है 200 से लेकर 250 करोड़ के अंदर, 7th ऑफ सितंबर 2023 को मूवी रिलीज होने वाला है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि भाई अभी ट्रेलर का क्या व्यू चल रहा है, मैंने आपको बता दिया मेरे टाइम पे 52 मिलियन चल रहे हैं, आपके टाइम पे कितना व्यूज चल रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑल्सो अगर आपको मूवी रिव्यू थोड़े एंटरटेनमेंट थोड़े गॉसिप बिहाइंड द सीन एंड पापराजी चीजें देखना पसंद है तो जल्दी से इंडियन मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है विनीत गोयल, मेरे यूट्यूब पे और भी 2-3 चैनल हैं, उनको भी आकर चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छे कंटेंट वहां पे बनाते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे, आपको भी हमसे बात करना है यू कैन कम एंड चेक इट आउट। एंड ऑल्सो हमारा जो स्नैपचैट अकाउंट है उसको चेकआउट करना, स्नैपचैट पे इंस्टेंट कंटेंट आते हैं थोड़े मस्ती मजाक वाले फ्रॉम ऑल द बॉलीवुड इंडस्ट्री के पेपराजीज जो आपको ये बाकी जो है ना कंजरे वाले वेबसाइट्स वहां पे नहीं देखने को मिलते हैं। तो आइए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तब तक दोस्तों हैव अ ग्रेट डे, यू आर वॉचिंग द इंडियन मीडिया हाउस, बाय।